गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में हमने यूज ऑफ माइट के बारे में डिस्कस किया। आज हम यूज ऑफ शुड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। हमारा जो आज का टॉपिक है यूज ऑफ शुड। शुड मीनिंग होता है चाहिए। वैसे इसकी जो सेंस निकलती है वो होती है चाहिए। इसकी जो स्टेटमेंट बनेगी, सबसे पहले हम यूज करते हैं एडवाइज या सजेक्शन। एडवाइज और सजेक्शन के लिए हम यूज करते हैं शुड का यूज करते हैं। सजेक्शन के लिए और एडवाइज के लिए हम यूज करते हैं शुड का। इसमें जो आपकी स्टेटमेंट है वो बनेगी सब्जेक्ट शुड, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें जो चाहिए, जो सेंस बनेगी वो बनेगी चाहिए। सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट बनेगी सब्जेक्ट शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी जो सेंस बनेगी होना चाहिए, होना चाहिए। थर्ड जो बनेगी सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस मीन्स चाहिए था। देखिए मैंने आपको वन बाई वन बताया है, जो एडवाइज है सजेक्शन है वो, उसमें आपकी तीन प्रकार की स्टेटमेंट बनती हैं, सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए आपकी सेंस निकलेगी, सब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट इसमें जो सेंस निकलेगी वो होना चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें चाहिए था, मीन्स ये आपका शुड का पास्ट है। शुड के पास्ट में आप कैसे यूज करोगे, शुड का पास्ट यूज करना है तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एडवाइस के लिए यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, यू शुड कम फास्ट, यू शुड रीड दिस पोयम, यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड सिंग ए सॉन्ग, यू शुड गो देयर, ये क्या हैं आपके, ये आपके हैं चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। यू शुड रीड दिस पोयम, आपको एक पोयम पढ़नी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड सिंग ए सॉन्ग, आपको गाना गाना चाहिए। ये हमारी शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के हमारे एग्जाम्पल हैं, ये हमारी एडवाइज है और हमारा सजेक्शन है। उसके बाद जो है वो है जैसे होना चाहिए, मैं बोलता हूँ ही शुड बी ए टीचर, उसको एक अध्यापक होना चाहिए। दे शुड बी, दे शुड बी ऑनेस्ट, उनको ईमानदार होना चाहिए। उसके बाद है थर्ड है, इसमें हमारा होना चाहिए, उनको ईमानदार होना चाहिए। ही शुड बी ए टीचर, उसको एक अध्यापक होना चाहिए। फर्स्ट में यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड रीड दिस पोएम, आपको ये पोएम पढ़नी चाहिए। यू शुड हेल्प योर सिस्टर, आपको अपनी बहन की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ये हमारे क्या है, एडवाइज या सजेक्शन है। अब देखिए शुड का पास्ट क्या होता है, चाहिए था,
मीन्स इसमें क्या होता है कि कुछ रिपेंट होता है, मीन्स आप को थोड़ा सा पश्चाताप होता है, कुछ प्रायश्चित होता है, मीन्स अगर आप समय पर वहां पहुंच जाते तो ये नहीं होता था, मीन्स नहीं हो सकता था, कोई ट्रेजेडी हो गई है, आपको वहां पहुंच जाना चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल, ही शुड हैव रीच्ड एट होम इन टाइम, मीन्स उसको समय पर घर पहुंच जाना चाहिए था, मीन्स अगर वो समय पर पहुंच जाता तो हो सकता है कि वहां पे कुछ इंसिडेंट घटी हो, वो बच सकती थी। मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई किसी लापरवाही से, यदि वो थोड़ा सा समय पहले घर पर इस समय होता पहुंच जाता, उसे इस समय घर पर होना चाहिए था, तो मीन्स वो घर पर इस समय होता तो हो सकता था कि वो ट्रेजडी नहीं हो सकती थी। इट मीन्स इसमें कुछ रिपेंट होता है, रिपेंट होता मीन्स इसमें कुछ पश्चाताप होता है। ही शुड बी वॉन द मैच, ही शुड हैव वॉन द मैच, ही शुड हैव रीड दिस पोयम, उसको ये पोयम पढ़ लेनी चाहिए थी, मीन्स उसने ये पोयम छोड़ दी और पोयम पढ़ ली, मीन्स एग्जाम में इसी पोयम से क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए उसको थोड़ा सा दुख हुआ कि उसको ये पोयम पढ़ लेनी चाहिए थी। सेकंड जो रूल है इसका वो है टू एक्सप्रेस पर्पज, टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस पर्पज। सेकंड है टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए। इसमें आपका लेस्ट मिलेगा, लेस्ट के साथ हमेशा जो पेयर आता है सुड, सुड है तो लेस्ट आएगा, लेस्ट है तो हमेशा सुड आएगा, और जो ये लेस्ट है वो आपका नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद कभी भी नॉट नहीं आता है। जैसे हम कहते हैं रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी तेज दौड़ो कहीं ऐसा न हो कि ट्रेन निकल जाए, मीन्स इसका मतलब होता है इसका कहीं ऐसा न हो कि ट्रेन निकल जाए। एक और एग्जांपल, वॉक स्लोली, धीरे चलिए, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, कहीं आप नीचे गिर न जाओ। लेस्ट के साथ आपका पेयर होता है शुड, लेस्ट के साथ आपका पेयर होता है शुड, भाई धीरे चलिए, उद्देश्य क्या है, कहीं आप नीचे गिर न जाओ, तेज दौड़ो क्या है उद्देश्य, कहीं ट्रेन निकल न जाए। अब उसके बाद जो अगला जो रूल है वो रूल है फोर मोरल ड्यूटी या ओब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी या ओब्लिगेशन, कोई आपका नैतिक कोई फर्ज है, आपका कोई नैतिक ओब्लिगेशन है, कर्तव्य है, उसको व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं शुड का। जैसे वन शुड लव, वन शुड लव वन्स कंट्री,
मीन्स प्रत्येक को, हर आदमी को, हरेक को अपने देश से प्यार करना चाहिए। ये क्या है, मॉरल ड्यूटी है या उसकी ओब्लिगेशन है। अब एक बात देखिए, ये हमारा जो यहाँ पे वन सब्जेक्ट है, इसका पोजिशन हमेशा वंस आएगा। और एक और एग्जांपल, वी शुड हेल्प द पुअर, जो गरीब हैं उन गरीबों की हमें क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, उन गरीबों की हमें सहायता करनी चाहिए। और मॉरल जो ड्यूटी है, जैसे वी शुड नॉट क्वेल अदर पर्सन या वी शुड नॉट क्वेल्स विद आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये हमारी क्या है, मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ओब्लिगेशन है। उसके बाद जो फोर्थ रूल है वो है आपका, शुड के लिए जो फोर्थ रूल है वो है, कोई नोटिस के लिए या कोई आप इंस्ट्रक्शन देते हैं नोटिस के लिए या कोई इंफॉर्मेशन के लिए, कोई नोटिस या इंफॉर्मेशन के लिए, नोटिस या इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जो कैंडिडेट्स हैं उनको सभी क्वेश्चनों का आंसर देना चाहिए। ये आपको नोटिस दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जब भी कोई आप एग्जाम करते हो उसके अंदर ये बात लिखी होती है कि विद्यार्थी को, कैंडिडेट्स को सभी के आंसर देने चाहिए। वो आपकी बात आप देते हो या नहीं, लेकिन उनके ऊपर ये इस तरह की नोटिस या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। नेक्स्ट जो रूल है वो है इनकंडीशनल, इनकंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल जो सेंटेंस होता है उसमें आप शुड का प्रयोग करोगे। देखिए, कभी भी इफ क्लाउज के साथ, इफ के बाद कभी भी आपका मॉडल नहीं आता है, इफ के बाद कभी भी आपका मॉडल नहीं आता है, लेकिन जब कंडीशनल वाक्य है और आप शुड का प्रयोग कर रहे हो, एक शुड ही एक ऐसा है जो कंडीशनल वाक्य में इफ के साथ शुड आ सकता है, अदरवाइज इफ के साथ कभी भी कोई मॉडल नहीं आता। स्टेटमेंट क्या बनेगी, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जरूरी नहीं आपका इफ हो, सब्जेक्ट भी हो सकता है, शुड आगे एज इट इज भी हो सकता है। कंडीशनल सेंटेंस में इफ के बाद कभी भी मॉडल नहीं आता है, लेकिन जब आप शुड का प्रयोग करते हो कंडीशनल में तो आपका इफ के बाद शुड आता है। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और वो आपसे मिलने के लिए आया है, लेकिन उसकी आने की संभावना बहुत ही कम है, इसमें बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है, बिल्कुल लेस, उसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है। मींस इफ ही, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इफ ही शुड कम ask him to wait for me, if he should come ask him to wait for me, इसका अर्थ होता है कि उसके आने की संभावना
बहुत ही कम होती है। उसके आने की संभावना, वैसे तो उसके आने की संभावना बहुत ही कम है, न के बराबर है। यदि फिर भी वो आए तो उससे कहना कि वो मेरा इंतजार करे। वैसे तो उसकी आने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है, वो न के बराबर है। यदि फिर भी वो आए तो उससे कहना कि वो मेरा इंतजार करे। देखिए यहां पे इफ वाले वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस में यदि वो आए तो उससे कहना कि वो मेरा इंतजार करे, लेकिन इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है वो न के बराबर होती है, वो बहुत ही कम होती है। अब देखिए इफ के बाद कभी आपने मॉडल देखा नहीं है, लेकिन यहां पे इफ के बाद आपका मॉडल आता है शुड। लेकिन जब शुड का हम प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में करेंगे तो इफ के साथ हम शुड का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंड यूजेज ऑफ शुड। होपिंग दैट यू गोट टूडेज टॉपिक इन ए बेटर वे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और कल फिर हम अगली वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।